देखना बेटा उदय रजपुरी जलप्रपात। देखिए दोस्तों शुगर बगीचा, बगीचा क्षेत्र में, बगीचा ब्लॉक में आता है दोस्तों। समूह वाले इधर काम करते हैं। क्या खा रहे बेटा? जलेबी। ओए जलेबी खा रहा है। बस बस बस। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग के दोस्त हैं, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो स्वागत करता हूं और एक न्यू व्लॉग पे। तो दोस्तों अभी लगातार हमारे साइड जो है ना बारिश हो रहा था, तो फिर मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ निकलूँ और आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँ। घर में ही थे, मार्केट जाते थे और घर का काम करते थे। तो आज जो है ना टाइम मिला है मेरे को। आज मौसम तो ख़राब है, हल्का हल्का बारिश हो रहा था लेकिन अभी रुका है। तो हम लोग जो है ना बगीचा घूमने के लिए आए हुए हैं। और दोस्तों अभी जो है ना कहीं कभी जलप्रपात देखा जाए ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो वैसा ही अगर बगीचा आए हो तो यहाँ का रजपुरी जलप्रपात देखने नहीं गए दोस्तों तो फिर क्या मतलब हुआ रजपुरी बगीचा आने का, रजपुरी जलप्रपात नहीं देखे तो। तो हम लोग जा रहे हैं अभी रजपुरी जलप्रपात देखने के लिए। तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों को लेके चलूं और दिखाऊं कि यहाँ का जलप्रपात दोस्तों कैसा है, पानी गिर रहा है और कैसा दिख रहा है। तो आप लोग देखते रहिएगा, बने रहिएगा कंटिन्यू। और चैनल में पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे सेट कर दीजिएगा। कैसा लगा दोस्तों कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मेरे साथ वाइफ है और मेरा बेटा है, तो मिल लीजिए। हेलो, हाय बेटा। और मम्मी से मिलो। कहाँ जा रहे हो? राजपुरी जा रहे हैं। अरे बेटा खुश है क्योंकि ऐसे घूमने निकलते हैं तो खुश, गाड़ी में खुश हो जाता है। तो चलिए बने रहिए दोस्तों, आप लोग को दिखाता हूँ रजपुरी जलप्रपात। और हम लोग इधर रास्ते में हैं और यहाँ से इंट्रो शूट कर रहा हूँ, अभी लेके चलूँगा दिखाऊँगा और वहाँ का क्या ही नज़ारा है, आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा कंटिन्यू। तो अभी हम लोग बड़ी गाड़ी में हैं दोस्तों। अभी जो है ना बाइक में भी चलना परेशानी से भरा हुआ है क्योंकि कहीं बारिश हो गया तो फिर बेटा को कहाँ करें, हम लोग कहाँ हैं। रेनकोट तो पहन के घूम सकते हैं लेकिन नहीं बनता है। तो चलिए चलते हैं। चलो बेटा तैयार ना जाने के लिए? हाँ। चलो जा रहे हैं, आप लोगों को लेके चलते हैं, दिखाते हैं। बेटा जो है ना बाहर का नज़ारा देखते हुए माँ बेटी देख ही नहीं रहा इधर, अगर देख बेटू। कहाँ जा रहा है? रजपुरी जलप्रपात देखने जा रहा हूँ, बोल दे। चलिए अभी बहुत ही खूबसूरत नजारा लगता है इधर का, देखेंगे तो हरा भरा। फाइनली पहुंच चुके हम लोग रजपुरी जलप्रपात, आप लोग सुने ही होंगे और हम लोग यहाँ कई बार घूमने भी आए हैं। तो चलिए दिखाता हूँ कि किस तरह से पानी और कितना ऊपर से पानी गिर रहा है दोस्तों। और बेटा जो देख रहा है, देखना बेटा उधर रजपुरी जलप्रपात। देखिए दोस्तों शुगर बगीचा, बगीचा क्षेत्र में, बगीचा ब्लॉक में आता है दोस्तों। तो देखिए कैसे पानी गिर रहा है, लबालब एकदम उधर पानी गिरते हुए। ठंडा लग रहा है, बहुत ही मज़ा, बहुत ही अच्छा दिख रहा नज़ारा इधर। हाँ ना, यहाँ से नहीं फिसलेगा। चलो मैं आप लोगों को नीचे जाके दिखाता हूँ इधर का नज़ारा। और पानी तो थोड़ा गंदा है, मिट्टी पानी गिर रहा है ऊपर से। और इधर है बेटा लोग, इधर दिखाता हूँ, देखिए कैसा दिखता है। देखिए दोस्तों आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रहा है। जलप्रपात देखिए इतना ऊपर से पानी गिर रहा है, अगर कोई इंसान ऊपर से गिरा ना तो वो कहाँ पे अटकेगा, कहाँ पे जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, जल चट्टान है और पानी कैसे लहर उत्पन्न हो रहा है। देख पा रहे हो ऐसा यहाँ का नज़ारा है,
लेकिन इस बार जो है ना थोड़ा पानी कम आ रहा है, नहीं तो इधर पूरा भरा रहता है इधर। और इधर जो है ना काफ़ी साफ सुथरा जगह लग रहा है यहाँ का, नहीं तो कभी कभी जो आते हैं ना तो यहाँ पे बहुत ही कचरा रहता है। और इस बार जो है ना बहुत ही साफ सुथरा लग रहा है कि लग रहा है बताओ। और इधर क्या बन रहा है, बाथरूम बन रहा है कि क्या बन रहा है? सामुदायिक भवन नगर पंचायत बगीचा दोस्तों। इधर पिकनिक एरिया, पिकनिक क्षेत्र भी बेहतरीन है, यहाँ पे आकर के पिकनिक भी कर सकते हैं। इससे साफ सुथरा है दोस्तों, यहाँ पे जो है ना काम करने वाले हैं साफ सुथरा रखने वाले हैं और साफ सुथरा कर रहे हैं। ओए लल्ला इधर आओ देखने, और पानी जो इधर बह रहा है, नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है। इधर आओगे तो दोस्तों यहाँ पे तो छोटा मोटा पिकनिक करके जाना ही बेस्ट है। समूह वाले इधर काम करते हैं। देखिए इधर भी जगह, इधर भी अच्छा साफ सुथरा है, बढ़िया है। चलिए आप लोग इधर दिखाता हूँ। इधर देखिए यहाँ पे भी अच्छे से पिकनिक बैठ करके कर सकते हैं। देखिए बहुत ही साफ सुथरा है, यहाँ पे चूल्हा बना के यहाँ पे बैठ करके खान पान अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा है दोस्तों, बहुत बेहतरीन बनाए हैं। यहाँ पे कैंटीन जैसा है और यहाँ पे बाथरूम का भी व्यवस्था किया गया है। देख लिए, घूम लिए, फोटो भी खिंचा लिए दोस्तों, अपलोड करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम में, ठीक है, अपलोड करेंगे फ़ोटो बाबू के साथ, वाइफ के साथ। हमने बहुत अच्छा अच्छा फ़ोटो क्लिक किए हैं। और अभी यहाँ से हम लोग विदा करेंगे, जाएंगे। और नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे भीड़ भाड़ भी नहीं है। अभी मेरे को लगता है शाम को भीड़ होगा, अभी जो 2-3 बज रहा है तो ही शाम को ही आते होंगे। और वाइफ को कैसे लगा पूछते हैं, कैसे लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, पहले आई थी ना? हाँ। और यहाँ समूह लोग देखते हैं यहाँ का साफ सफाई, और जो है ना दोस्तों गाड़ी पार्किंग वगैरह लेते हैं। ठीक रही, धन्यवाद। हाँ तो गाड़ी पार्किंग का जो है ना 20-30 रुपये लेते हैं यहाँ गाड़ी खड़ा करने का। और बाद बाकी सफाई के मामले में देखा जाए तो बेहतरीन है, सफा है। हाँ बेटा को भी दिखाने लिया है, ठंडा लग रहा है लेकिन नहीं लग रहा है, हंस क्यों नहीं रहे? हंसो हंसो हंस तो दे, हंसो। हंस ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया। अचानक से बाहर निकाले तो फिर भगा गया लगता है। हंसेगा। ओ दांत भी नहीं, दांत नहीं है मेरे में, दांत नहीं है बेटा। चलो बेटा जाते हैं, भूख लग रही? नहीं लग रहा है, दोपहर का पानी नहीं खाया, 2 बज गया। हाँ अभी आ रहे हैं। देख लिया और आप लोगों को भी दिखा लिए रजपुरी वाटरफॉल जलप्रपात दोस्तों, मजा ही आ गया। बेटा तो खुश ना बेटा? खुश। माँ भी खुश, अभी बीच बीच में घूमने के लिए आते हैं और जा रहे हैं अभी वापस। भूख भी लग रहा है, बेटा को तो खिलाते रहते हैं लेकिन मम्मी को कुछ भी भूख लग रहा है, सहन नहीं हो रहा है। तो चलते हैं बगीचा बस स्टैंड से, देखते हैं कुछ मिल जाए खाने के लिए, क्या खाएंगे अब उधर जाके पता चलेगा। चलते हैं दोस्तों, बने रहिएगा। तहसील चौक में रुके हुए हैं, बारिश हो रहा है, देखिए बारिश वाला मौसम। जब हम लोग उधर रजपुरी जलप्रपात घूमने के लिए गए थे तो उधर कम पानी गिर रहा था, मतलब नहीं ही गिर रहा था, अभी अचानक से बारिश शुरू हो गया। और बेटा भी सो गया। हम लोग अभी बाहर इधर बगीचा से काफ़ी दूर आ चुके हैं, तो हम लोगों को खाने का इच्छा तो था होटल में बैठ के खाने का, लेकिन हमारा बेटा जो है सो रहा था। तो क्या खा गया बेटा अभी दिखा दे तो, ये क्या है? ब्रेड है। तो फिर हम लोग जो भी खाना पीना है ना सब देखो पोटली बना के ले आए हैं, तो फिर अभी हम लोग इसी में खाने वाले हैं। तो बेटा ये कटोरी में खाएगा ना? हाँ खाएगा इसमें। तो हम लोग इधर रुके हुए हैं, खाते हैं, बेटा को भी भूख लग रहा है, खाएगा ना बेटा? पानी पिएगा ना अभी ना? तो फिर ये आलू गुंडा है और प्याजी है। अब फिर इधर का नज़ारा देखिए, मेन रोड, गाड़ी, अभी पानी इधर हल्का हल्का गिर रहा है, बगीचा में तो बहुत जोर से गिर रहा था। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? पुकु पुकु पुकु।
क्या खा रहा है बेटा? जलेबी। ओए जलेबी खा रहा है। बस 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 मम्मी खा दी सबको। खा दी बेटा, खा दी मम्मी सबको, खा गई बस पप्पू। खा लिए हम लोगों का आजकल गाड़ी में ही पार्टी, मतलब नाश्ता पानी चल जाता है। बेटा का भी साथ में, हम लोग का भी, और घर वालों के लिए भी चटर बटर ले जा रहे हैं। कौन सा बस जा रहा है? स्कूल बस है। पानी गिर रहा है अभी तो, सीधा घर जाएंगे दोस्तों। तो आज का जो ब्लॉग है ना, इधर ही ख़त्म करते हैं। हल्का हल्का पानी तो गिर ही रहा है, तो आज छोटा सा ब्लॉग है, अभी कंटिन्यू करेंगे। चार पांच दिन गैप हो जाता है बारिश की वजह से, निकल नहीं पाता हूँ और कुछ दिखा नहीं पाता हूँ आप लोगों को। तो आज का पेड़ भर गया, आज का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर सेट कर दीजिएगा। कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और ये कमेंट कीजिएगा कि आप लोग रसपुरी जलप्रपात घूमने आए हैं कि नहीं आए हैं। आए हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है बेटा, बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग से नेक्स्ट ब्लॉग भी मिलेंगे। अपना ख्याल रहेगा, तब तक के लिए बाय बाय।